नाज़रीन आदाब, अर्ज है एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कन्नड़ शहर में एक दुकान के सामने देसी बम रखकर दहशत फैलाने की कोशिश, मुजरिमों को तलाश कर रही है पुलिस। बीजेपी की धड़ेबंदी पर पंकजा मुंडे के हामियों का बीजेपी दफ्तर पर हमला, 3 गिरफ्तार। और शहर में एनडीपीएस स्क्वाड के छापे, दूसरे अजला से शहर में मंशियात की फरोख्त। पुलिस कमिश्नर ने अपील की कि शहरियान मंशियात की मंडी पर काबू पाने के लिए ताउन करें। अब खबरें तफसील से। कन्नड़ शहर में फर्नीचर की दुकानों के बाहर गांव में बम रखकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने वाकई की संगीनी को समझते हुए बरवक्त बम को तबाह कर दिया और मुजरिमों की तलाश शुरू कर दी। जब किरण राजगुरु जुमेरात की सुबह कन्नड़ शहर के 40 गांव रोड पर एक दुकान खोलने के लिए जा रहा था, उसने अपनी विश्वकर्मा फर्नीचर की दुकान के बाहर कुछ बॉक्स देखे। उसे खोलते ही मोबाइल नुमा मशकूक चीज नजर आई। जब किरण को शक हुआ तो उसने फौरी तौर पर कन्नड़ सिटी पुलिस को इत्तला दी। कन्नड़ सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर राजू तलेकर फौरन दस्ते के साथ पहुंचे। उनके मायने के बाद एक घंटे के अंदर बम डिटेक्टर को बुलाया गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि गांव में बम है तो उन्होंने हुजूम को मुंतशर किया और बम डिस्पोजल टीम ने तकरीबन 2.5 घंटे तक बम को हैंडल किया और वहां से 100 मीटर के फासले पर बम को डिस्पोजल किया। बम डिस्पोजल टीम ने उठाकर तकनीकी तौर पर तबाह कर दिया। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास हमको कन्नड़ शहर में एक इंफॉर्मेशन मिली थी। प्राइवेट पर्सन ने एक दुकान के पास में डाउटफुल मोबाइल का एक बॉक्स मिला हमको, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। उस बेसिस पे हम इमीडिएटली स्पॉट पे गए एंड जब वो बॉक्स का पड़ताल की तो हमारी बीडीपीएस टीम और पुलिस स्टेशन की टीम दोनों वहाँ पे थी। बॉक्स को देखने के बाद समझ में आया कि उसके अंदर एक स्विच मैकेनिज्म था जिसके अंदर एक छोटा पाइप के अंदर माइनर ब्लास्ट मटेरियल जैसा समझ में आया। देन हमारी टीम ने उसको डिफ्यूज़ किया एंड कोई किसी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और डिफ्यूज़ करते टाइम उसमें एक माइनर ब्लास्ट हुआ है। बहुत माइनर अमाउंट का उसमें एक्सप्लोजन था जो 1% को हार्म करने लायक उसका क्वांटिटी है। एग्जैक्टली उसमें कौन सा ब्लास्टिंग मटेरियल यूज़ किया ये इसकी छानबीन हम लोग अभी कर रहे हैं, बट प्राथमिक जो हमने प्राथमिक माहिती जो हमको है उसके अंदर RDX या इस तरह का कोई प्रोफेशनल ब्लास्टिंग मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। लोकली प्रोक्योर्ड पटाखे का पाउडर या इस टाइप का कोई ब्लास्टिंग मटेरियल हमको उसमें प्राथमिक जो हमारा चौकसी किया है उसमें हमको दिखता है और उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनर अमाउंट है। उसको वजन नहीं किया जा सकता है, बट उसका जो ब्लास्ट कैपेसिटी है वो एक सिंगल 1% को हार्म कर सके या कर सके इतना ही है। ज़्यादा बड़ा एरिया में ब्लास्ट करने लायक उसकी कैपेसिटी नहीं है। एकदम प्रोफेशनल सर का वाटक नहीं नो प्रॉब्लम सर। आणि ते म्हणजे आउटसाइड मध्ये ठेवला आहे जसा नॉर्मली आपला जे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो चीज़ रहता है कि कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पब्लिक जगह का ब्लास्ट उस टाइप का नहीं दिखता है। बाहर की साइड एक तो आउटर में है एंड छोटा डब्बा है एंड ब्लास्ट मटेरियल भी जो प्रोफेशनल नहीं है। उसका अभी तपास चालू है, कॉन्क्रीटली हम किसी चीज़ को बोल नहीं पाएंगे कि इसे क्या मोटिव होगा किसी का, तपास कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने स्वाभिमान सभा में वजीर आला के रिमार्क्स का खैर मकदम किया। साफियों से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब की जो सभा थी उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जिसका स्वागत करना चाहिए। खास तौर से उनका जो स्टेटमेंट जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम मुसलमानों के साथ कोई नफरत नहीं रखते हैं, कोई द्वेष नहीं रखते हैं, ये स्वागत करने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक पक्ष का हो अगर ये मैसेज उनके तरफ से आता है तो ये स्वागतार्य है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं कभी उनकी जबान से भी इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से इस बात की निंदा की है कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया है उसकी निंदा की है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि कुछ विदेशी जो कुछ बाहर के देश है
वो भारत को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, जबकि भारत को माफी मांगना नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, हम इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, उनकी घटिया ये राजनीति है कि जिसकी वजह से आज पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है, अपना सर झुकाना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो ये जब उद्धव साहब कहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जो विकास के बारे में थे उन मुद्दों के बारे में भी हमारी उम्मीदें थी कि वो बहुत कुछ कहेंगे करके, लेकिन ये है कि अब उन्होंने कहा है कि हम औरंगाबाद का विकास पूरी तरह से करेंगे, और विकास में उन्होंने कहा कि हम पानी के बारे में कहेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे के बारे में, औरंगाबाद की सड़कों को चकाचक बनाएंगे, और उसके बाद औरंगाबाद शहर का जो नामकरण का मुद्दा जो पिछले 30-35 सालों से सभी राजनीतिक पक्ष और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जिन्होंने नाक में दम करके रखा था यहाँ पर कुछ नहीं दिखाने के लिए, तो हर वक्त है तो संभाजी नगर का मुद्दा, तो कम से कम उद्धव साहब की ये बात को समझो, दिमाग में डालो, और कहीं ना कहीं ये कोशिश करो कि आने वाले कुछ सालों तक सिर्फ हम औरंगाबाद के विकास के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांची जी सभा झाली, त्यांचे जे त्यांनी जे चांगले मुद्दे त्याच्यामध्ये मांडले मी त्याचा स्वागत करतो, आणि सर्वप्रथम त्यांनी हे म्हटलेले आहे की इस्लाम धर्माचा आम्ही द्वेष करत नाही, आणि त्यांनी एक गोष्ट म्हटली की जे भारतीय जनता पार्टी चे प्रवक्त्यांनी प्रेक्षित मोहम्मद यांच्या बाबतीत जे खालच्या पातळीवर जाऊन त्यांनी जे वक्तव्य केले होते त्याच्या बाबतीत आज विदेशात हे मागणी होत आहे काही देशाकडून की भारताने त्याची माफी मागावी, आणि त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं मुख्यमंत्री साहेबांनी की भारताला याची माफी मागण्याची काही आवश्यकता नाही, भारतीय जनता पार्टीने याची माफी मागावी, आणि आम्ही त्यांच्या त्याच्या ह्या स्टेटमेंटचा ते समर्थन करत आहे। जुमेरात की दोपहर शहर में बीजेपी के दफ्तर पर तीन कारकुनों ने हमला करने की कोशिश की। उनका दावा था कि बीजेपी ने पंकजा मुंडे को मुसलसल हरासा किया है। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने वजाहत की कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ कारकुन औरंगाबाद में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने पंकजा मुंडे को मुसलसल बेदखल किया है। इस बार भी कानून साज काउंसिल ने पंकजा मुंडे का टिकट मुस्तरद कर दिया है, जिससे मुंडे की हामी नाराज है। जुमेरात की दोपहर सचिन डोई पड़े और उनके दो मुंडे हामियों ने औरंगाबाद शहर में बीजेपी के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पंकजा मुंडे की हिमायत में नारे लगाए, दूसरी तरफ बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के नारे लगाकर हंगामा किया। तीनों ने नारे लगाते हुए दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे बरवक्त गिरफ्तार कर लिया, उसे थाने में मुंतकिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि हमलावर बीजेपी के कारकुन नहीं थे और पंकजा मुंडे की हामी भी नहीं थी। भाजप सरकार मुंडे साहेबांनी होता है भाजप सरकार उत्तर माध्यमातून जी माहिती मिळाली की या भाजप भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयावर हल्ला झालेला आहे, परंतु मला आता वाटतं की हे पंकजाताई मुंडेचे समर्थक नाही आहे। काल ज्या सभा झाली आणि त्या सभेत काही फलित निघालं नाही, आणि त्या पद्धतीने जे भारतीय जनता पार्टीचं काम चालू आहे योग्यरित्यानं, आणि काही पक्षाच्या नेत्यांना फ्रस्ट्रेशन आलेलं आहे, आणि त्यामुळे हे कृत्य नेत्यांच्या माध्यमातून त्या कार्यकर्त्यांनी हे केलेलं आहे। ज्या नेते आहे वरिष्ठांनी घेतलेले निर्णय त्याच्यावर मी बोलणं योग्य नाही, कारण मी एका जिल्ह्यापुरताचा शहरापुरताचा अध्यक्ष आहे आणि त्याच्यावर मी काही टिप्पणी करणे हे माझ्या कोण केला हल्ला असं तुम्हाला नेमका सांगा ना। नेमका हल्ला दोन दिवसापासून ज्या पद्धतीने दोन दिवसापासून कार्य आम्हाला आम्ही ज्या पद्धतीने काम करतो ज्या पद्धतीने या शहरामध्ये एक भारतीय जनता पार्टीची ताकद उभी राहते आणि ते पाहता इतर पक्षाचे जे का नेते आहेत ते फ्रस्ट्रेशन झाले आणि कालच्या सभेमुळे तर ते जास्तच झाले, आणि त्यामुळं कुठंतरी
असा मी 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 डायरेक्ट हल्ला पाहिले नसल्यामुळे तो सांगू शकत नाही की हा कोणत्या पक्षाने केला. याच्यात MIM असू शकते, याच्यात राष्ट्रवादी असू शकते, काँग्रेस असू शकते आणि शिवसेना ही असू शकते. मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने एडियन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबी वार्ड्स के हुदूद को जाहिर करने वाले नक्शे के मसूदे को नोटिफिकेशन के मामले पर अपनी अपनी जमातों का किरदार पेश किया. प्रभाग्रष्टा जी झालेली आहे त्याच्यामध्ये अनेक वार्डांचे चुकीच्या पद्धतीने रचना बदलली गेलेली आहे याच्यावर आम्ही आमचे आक्षेप नोंदवतोय. परंतु एकमात्र निश्चित आहे की ज्या पद्धतीने हे सगळे वॉर्ड रचना झालेले आहे त्याच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झालेला आहे हा माझा मुख्य आरोप आहे. कारण की ज्या पद्धतीने ज्या नगरसेवक जुने नगरसेवक काही आहेत त्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार ह्या सगळ्या गोष्टी करून घेतलेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं आणि या निमित्ताने मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. तुम्ही प्रभाग रचना कशी करा, सोयीने वॉर्ड कशीही सोडा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुम्हाला हरवल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. गेल्या 25 वर्षापासून तुम्ही ज्या पद्धतीने या संभाजीनगरच्या नागरिकांना छळलेलं आहे त्याचा सगळा बदला संभाजीनगरचे नागरिक या निवडणुकीमध्ये काढतील. त्याच्यामध्ये तुम्ही कितीही सोयीनुसार करा, तुमची प्रभागरचना सोयीनुसार करा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याला पूर्ण उरेल. पक्षांतर्गत देखील कोणाच्या दांड्या मारल्या, कोणाची तिकीटं कापली, कोणाला बाजूला ठेवण्यासाठी ही प्रभागरचना केलेली आहे हे सगळं लक्षात येणार आहे. घोडा मैदान समोर आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा जमिनीवरचा पक्ष आहे. तुम्ही कुठलीही प्रभाग रचना करा, सगळं शहर आमचं, हिंदू आमचा, मुस्लिम आमचा, बौद्ध आमचा, ख्रिश्चन आमचा, शीख आमचा, सगळे आमचे. त्यामुळं मुस्लिम मतदार मंडळासमोर ठेवून प्रभाग रचना करायची, हिंदू मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून प्रभाग रचना करायची, हा ज्यांचा मतदानाचा धंदा आहे त्यांना त्याचं नफा आणि नुकसान होईल. आमच्यासारख्या पक्षाला त्याचा काही फायदा काही नुकसान होणार नाही. आमची लढाई लंबी लढाई आहे, फार लांब पल्ल्याची आमची लढाई आहे. भाकरी एका बाजूनच भाजली तर ती करपून जाते. भाकरी आता परतायची वेळ आलेली आहे, बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि बदल जर झाला नाही तर सत्ताधाऱ्यांना डोक्यामध्ये सत्ता जाते आणि डोक्यात सत्ता गेली तर आपलं कोणीच काही वाकडं करू शकत नाही. पण लोकशाही आहे, तुम्हाला 5 वर्षानंतर लोकांच्या दारात जावं लागतं. हिंदू हिंदू म्हणून मतं घेतलेली आहेत, हिंदूंना ड्रेनेजचं पाणी पाजणं हे हिंदुत्व आहे काय? आणि आमचा एक हा रास्त प्रश्न आहे. हिंदुत्वाचा हुंकार आम्ही नक्की ऐकू मुख्यमंत्री साहेब, परंतु आमच्या नळाला येणारा पाण्याचा आवाज जो मंजूळ आवाज आहे तो आम्हाला 15 मिनटं तरी ऐकू येणार आहे का, असा आमचा सवाल आहे. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा के जारहाना बयान के खिलाफ जुमेरात को जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया. डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे भारत देश में नूपुर शर्मा और जो जिंदल है बीजेपी के प्रवक्ता उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं. ये प्रोटेस्ट में हमारा दो डिमांड है. पहला एक डिमांड है कि इनके ऊपर जिन्होंने जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है तो आपत्तिजनक गलत अल्फाज कहा है उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी भी जो है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में ने अभी तक जो है तो कार्रवाई नहीं की है. तो अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर. शहरिया ने औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी. हर साल की तरह इस साल भी पेश है ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड. ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं. हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरी के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड. साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी. We'll be right back.
इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने कहा कि शहर में मंशियात की लत में इजाफा हो रहा है और शहरियान से अपील की जाती है कि वो मंशियात के कारोबार को रोकने के लिए ताउन करे। यस, मागील काही काळामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये नशा विकणाऱ्यांची आणि नशा करणाऱ्यांची संख्या वाढत चाललेली आहे असे दिसून आलेले आहे। काही प्रकरणांमध्ये नशा करून गुन्हा करणारे असे प्रसंग पण समोर आलेले आहेत। या सर्वांवर आळा घालण्यासाठी औरंगाबाद शहर पोलिसांनी सुमारे 2 आठवड्यापूर्वी एक स्पेशल स्क्वॉडची स्थापना केलेली आहे। या स्क्वॉडला फक्त जे नशा विकणारे लोक आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग्ज असतील किंवा गांजा असेल किंवा बटन असतील, कुठल्याही प्रकारचे NDPS ज्याला आम्ही म्हणतो, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी या स्क्वॉडची स्थापना करण्यात आली आहे। आणि 2 आठवड्याच्या कालावधीमध्येच या स्क्वॉडनी जोरदार कामगिरीला सुरुवात केलेली आहे। मोठ्या संख्येत नायट्रोसेनच्या टॅबलेट्स ज्या मेडिकल स्टोअरमध्ये मिळतात किंवा गांजा किंवा इतर प्रकारचे जे नशाचे करण्याचे पदार्थ आहे, या पदार्थ विकणाऱ्यांवर कारवाई झालेली आहे। अनेक लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे। काही प्रकरणांमध्ये काही मेडिकल स्टोअर्सनी माहीत असताना सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येत गोळ्या विकलेल्या आहे, त्यांची पण चौकशी सुरू आहे। आणि गरज पडल्यास अशा मेडिकल स्टोअर्सचे लायसन्स रद्द करण्याबाबत सुद्धा FDA प्रस्ताव पाठवण्यात येईल। काल जी एक केस झाली त्यामध्ये एका इतर जिल्ह्याच्या एका डॉक्टरचे लेटरहेड पण सापडलेले आहे आणि बहुतेक त्या लेटरहेडचा वापर करून वेगवेगळ्या मेडिकल स्टोअरमधनं हे नायट्रोसेनचे टॅबलेट विकत घेतल्याचे आरोपीकडनं समजलेले आहे, त्याबद्दलही चौकशी सुरू आहे। ह्या स्पेशल स्क्वॉडद्वारे, क्राईम ब्रांचद्वारे आणि पोलीस स्टेशनद्वारे औरंगाबाद शहरामध्ये नशा विकणाऱ्या लोकांवर जोरदार मोहीम घेण्यात आलेली आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे की नशा विकणाऱ्यांवर जेवढं जास्त होईल तेवढं प्रतिबंध आम्ही या माध्यमातून करू। मात्र आम्हाला यामध्ये नागरिकांच्या मदतीची पण गरज आहे। मी सर्वांना असं अपील करतो आहे, विनंती करतो आहे की जर आपल्याला जवळपास कोणी नशा विकणाऱ्याबद्दलची काहीही माहिती असेल तर कृपया आपण आम्हाला ती माहिती निश्चित द्या, जेणेकरून आम्हाला त्यांच्यावर जास्तीत जास्त प्रमाणात कारवाई करता येईल। खरं म्हणजे मागच्या काही दिवसात जी कारवाई सुरू आहे त्या कारवाईबद्दल वर्तमानपत्रात जेव्हा माहिती येत आहे तर अनेक लोक पुढे येत आहेत आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आम्हाला ही माहिती मिळत आहे, परंतु अशी अजून जर माहिती कोणाकडे असेल तर आपण निश्चित द्यावी। त्याचप्रमाणे जर आपल्या जवळपास आपल्याला असे आढळून येत असेल की काही मुलं नशेच्या आहारी गेली आहेत आणि त्यांना त्यांच्यातून बाहेर पडायचं असेल तर त्यामध्येही NGO मदतीने पोलीस त्यांना डी एडिक्शन कॅम्प मध्ये नेण्याचे। NDPS की टीम ने उन 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो लातूर और परभणी के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज से नशावर गोलियां खरीद रहे थे और सेलू के डॉक्टर के लेटर पैड का इस्तेमाल करते हुए औरंगाबाद में महंगे दामों में फरोख्त कर रहे थे। इनके कब्जे से मंशियात का जखीरा असलाह बरामद किया गया है। NDPS सेल की टीम ने एक शख्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो शानूर मियां दरगाह चौक पर गोलियां बेच रहा था। 34 साल राम ढोंडू काड़े नया उस्मानपुरा इलाके के श्रीनगर पवन गैस एजेंसी के 58 साल दीपक साहब राव हिवाड़े साकिन API कॉर्नर भवानी पेट्रोल पंप के सामने N2 ढाकरे नगर से खरीदा है। इसके घर के सामने सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो में नेट्रोसन की 10 गोलियां फरोख करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कब्जे से नकद रकम, एक मोबाइल फोन, एक डॉक्टर का लेटर पैड और उसकी गाड़ी से एक तेज धारदार हथियार भी जब्त कर लिया गया। ये सभी लातूर और परभणी के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज से सेलू में एक डॉक्टर के लेटर पैड पर नशा आवार गोलियां खरीद कर औरंगाबाद में गोलियों के आदि बच्चों को फरोख्त कर रहे थे। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस
सैयद मोहसिन अली, नंदकुमार भंडारे, सैयद शकील, प्रकाश गायकवाड़, आनंद बहुल, धर्मराज गायकवाड़, प्राजक्ता वागमारे और ड्रग इंस्पेक्टर जे डी जाधव ने किया। औरंगाबाद शहर में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि अगर कोई नशावर अशिया फरोख्त कर रहा है या मंशियात की खुराक पर चला गया है तो उसकी तल्ला दें। माननीय पुलिस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता सरांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील नशेचे पदार्थ आणि वस्तू विकणाऱ्याविरुद्ध अत्यंत कडक आणि प्रभावी कारवाई करण्यासाठी NDPS स्पेशल ऑपरेशन्स सेल स्थापन करण्यात आलेलं आहे। सदर सेल स्थापन केल्यापासून शहरातील नशेच्या वस्तू आणि पदार्थ विकणाऱ्यांच्या विरुद्ध प्रभावी कारवाई सातत्यपूर्वक चालू आहे। काल दिनांक 8 रोजी पोस्टे उस्मानपुरा हद्दीतही बाहेर जिल्ह्यातून नायट्रोजनच्या गोळ्या आणून शहरात विकणाऱ्या 2 व्यक्तींना पकडलं आहे। त्यांची वाहनही जप्त करण्यात आली आहे। जवळपास 600 गोळ्या जप्त करण्यात आले आणि ही कारवाई सातत्यपूर्वक चालू राहील आणि जनतेनेही अशा आपल्या परिसरामधील नशेचे वस्तू पदार्थ विकणाऱ्यांची काही माहिती असेल तर बिनधास्त एक दक्ष नागरिक म्हणून आमच्याकडे द्यावी, आपलं नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर के NCP भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया था। ये तल्ला शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 3 जून ते 16 जून पूर्ण महाराष्ट्राला कार्यक्रम दिलेला आहे, त्याचाच भाग ही पत्रकार परिषद आहे। आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य करणं, दाराला स्टिकर लागणं, घरावर झेंडा लावणं, त्याचबरोबर सभासद म्हणून अभियान चालवणं, या केंद्र सरकारनं हे जे महागाई वाढी झालेली आहे गॅस पेट्रोल डिझेलमुळं त्याचं लक्ष विचलित करण्यासाठी कुठल्या तरी काशीची मशीदची प्रकरण ते उकरतायत, तेही समाजाला समजून सांगून समाजामध्ये जागृती निर्माण करणं आणि त्याच्या विरोधात शेवटी 16 तारखेला आंदोलन करणं अशा प्रकारची भूमिका महाराष्ट्रभर घेऊन हे पूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यामध्ये माननीय जयंतराव पाटील साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान सुरू आहे, त्याचाच भागी पत्रकार परिषद आहे। आज शहराध्यक्षांनी काय काय करणार आहे त्याचा कार्यक्रम तुम्हाला दिलेला आहे, प्रत्येकाला काम वाटून दिलेलं आहे। माझ्याकडे स्वतः पूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रबोधन करणे, महामानवांचे विचार समजून सांगून ही जी धार्मिक सामाजिक जाती तरी निर्माण होते तिला नष्ट करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे पक्षाने द्यायचं। सनदी इलाका वालूज में श्री महेश्वरी मंडल वालूज की तरफ से महेश नवमी का इनेकात बड़े जोश और खरोश के साथ किया गया। मौलाना आजाद कॉलेज का नतीजा 99.2% रहा और मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले तुलबा को कॉलेज की तरफ से मुबारकबाद दी गई। आज मौलाना आजाद कॉलेज के अंदर जो 12 के स्टूडेंट्स हैं इनका फिलिस्टेशन प्रोग्राम रखा गया था, हमारे पास 12 के अंदर 99.2% जो है तो रिजल्ट लगा है और ये काफ़ी इत्मीनान बख्श है। और इसके अंदर जो है तो साइंस के साथ साथ हमें खुशी इस बात की है कि आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर भी बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है और आर्ट्स में ख़ास करके डिस्टिंक्शन हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये चीज़ बतला रही है कि पैंडमिक पीरियड COVID-19 होने के बाद में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के टीचिंग मोड होने के बाद में भी बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की है। तो मैं इन पूरे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर जो बच्चों ने 12वीं के एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल की है उन लोगों का सत्कार यहाँ पर रखा गया था और इसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी मेरिट में लोग आए हैं। मैंने आज उनको इस मौके पर प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए UPSC और MPSC के एग्ज़ाम, जैसे कि आप देखते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर तो काफ़ी बनते हैं, लेकिन ये बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे अगर प्रशासन में आए एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो इनका काफ़ी फ़ायदा समाज को और उनको खुद को भी हो सकता है। आपका नाम सर? मैं अब्दुल मुकीम देशमुख। हाँ बोलिए। हमारा नाम शेख नूर है, हमारे बेटे का नाम शेख दानिश शेख नूर है। इन्होंने 12th आर्ट्स में थे मौलाना आज़ाद कॉलेज में और इन्होंने साल भर जैसा घर पे मोबाइल में पढ़ते थे, हम मोबाइल का वीडियो बताते थे इनको और कॉलेज में रऊफ सर भी बहुत हेल्प करते थे। कितना परसेंटेज आया सर? उनका 60% है। कॉलेज में भी जैसा गाड़ी अंदर आने की परमिशन मिली हमको कॉलेज से,
और बैठने की फैसिलिटी थी, व्हील चेयर लेके आते थे हम। बच्चे की पढ़ाई में कौन कौन लोगों ने मदद किया आपकी? रोब सर है, मोहसिन सर है, मुश्ताक सर, ये लोग। मिरक नक्षत्र की आमद के साथ ही औरंगाबाद शहर व अतराफ में जुमेरात की दोपहर व शाम में जोरदार बारिश हुई। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। कन्नड़ शहर में एक दुकान के सामने देसी बम रखकर दहशत फैलाने की कोशिश, मुजरिमों को तलाश कर रही है पुलिस। बीजेपी के धड़ेबंदी पर पंकजा मुंडे के हामियों का बीजेपी दफ्तर पर हमला, 3 गिरफ्तार। और शहर में एनडीपीएस स्क्वाड के छापे, दूसरे अजला से शहर में मंशियात की फरोख्त। पुलिस कमिश्नर ने अपील की कि शहरियान मंशियात की मंडी पर काबू पाने के लिए ताउन करें। तो ये थी आज की अहम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंडियन उर्दू न्यूज़। आदाब।